हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडू एसीएस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। नीट यूजी 2022 न्यू सेशन के जो 20th मई लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, सो फ्रेंड वो डेट अभी फिनिश हो गई है। और फ्रेंड अभी एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर एक नोटिस रिलीज किया है, जिसमें फ्रेंड करेक्शन विंडो ओपन हुआ है। अगर कैंडिडेट्स को फॉर्म फिल करते समय कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, तो वो मिस्टेक अभी वो फ्रेंड सही कर सकते हैं। एडिट विंडो ओपन हो चुका है। उसके लिए फ्रेंड फर्स्ट आपको यह नीट एनटीए की वेबसाइट पे विजिट करना है। यहाँ पे फ्रेंड ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन किया गया है करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2022 न्यू सेशन का। तो फ्रेंड हमने ये ओपन यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे फ्रेंड आपका फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्या डेट है। सो फ्रेंड आपके 24th ऑफ मई आज से फ्रेंड आपका एडिट विंडो ओपन हो चुका है एंड फ्रेंड लिंक भी एक्टिव हो चुका है। और लास्ट डेट आपकी 27th ऑफ मई अप टू 9 PM नाइट में, आपके पास 9 PM तक का टाइम है। आपने अगर नीट का फॉर्म फिल करते समय कोई मिस्टेक हो गई थी, तो फ्रेंड आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट हम ये बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप सही कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड उसमें सारा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें ही हैं। यहाँ पे फ्रेंड देखिए, कैंडिडेट आर अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड इंक्लूडिंग इमेज अपलोडेड। तो फ्रेंड कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपका इमेज वगैरह कुछ मिस्टेक हो गई थी, गलत अपलोड हो गई थी, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक्सेप्ट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड नेशनैलिटी। फ्रेंड आप इन फील्ड्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने जो मोबाइल नंबर मेंशन किया था, ईमेल एड्रेस मेंशन किया था, आपका परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड योर नेशनैलिटी, इन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अदर कोई अगर आपसे मिस्टेक हुई थी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। फॉर आधार वेरीफाइड कैंडिडेट्स, ये फ्रेंड उनके लिए है जो आधार का हमारे पास ऑप्शन आया था, उसमें हमने वहाँ पे आधार कार्ड के लिए यस किया था और उसके बाद अपने आधार की डिटेल वहाँ पे फिल की थी। तो फ्रेंड ऑल थ्री फील्ड वेरीफाइड, एग्जांपल कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, नो करेक्शन इन दिस थ्री फील्ड। आपका फ्रेंड आधार के समय आपने जो आधार पे क्लिक किया था एंड उसको प्रोसीड किया था, तो फ्रेंड यहाँ पे कैंडिडेट नेम, आपने जो नेम मेंशन किया था, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, इसमें फ्रेंड्स आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नो करेक्शन, इनमें कोई करेक्शन नहीं है। ऑल टू फील्ड वेरीफाई, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड करेक्शन इज नॉट वेरीफाई फील्ड बी अलाउड, इसमें फ्रेंड आप नहीं कर सकते हैं। अदर यहाँ पे दे रखा है कि आप कहाँ कर सकते हैं, फादर एंड मदर्स नेम, अ कैंडिडेट कैन चेंज इधर फादर्स नेम और द मदर्स नेम, एनी वन ओनली। आप फादर मदर में से किसी एक का नेम चेंज कर सकते हैं। इन केस द कैंडिडेट इज चेंजिंग एनी दीज टू फील्ड, देन द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू चेंज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अगर फ्रेंड आपने मदर फादर में से किसी एक का किया है, तो आपका प्रोसीड हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने दोनों का कर दिया है, तो फ्रेंड आप वहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, अगर आपका मिस्टेक हो गया था वहाँ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में कुछ, तो फ्रेंड आप इसके लिए कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इफ़ द कैंडिडेट इज चेंजिंग हिज हर फोटोग्राफ एंड और सिग्नेचर, देन द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू चेंज देयर फादर और मदर नेम। फ्रेंड ये वही बात है कि देखिए, ऊपर अगर आप फादर मदर दोनों का नेम चेंज करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर चेंज करने का। अगर आप इन दोनों में से फादर मदर में से किसी एक का नेम चेंज कर सकते हैं, तो आपके पास आगे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। कैटेगरी, कैटेगरी कैंडिडेट कैन चेंज इधर कैटेगरी और री अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी फ्रेंड अगर आपकी जो कैटेगरी है, मान लीजिए आपकी जनरल कैटेगरी है और आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उस टाइम आपकी कैटेगरी कुछ गलत आपसे फिल हो गई हो और आपने उस टाइम नोटिस ना किया हो, प्रोसीड कर दिया हो फॉर्म अपना एप्लीकेशन फॉर्म, तो फ्रेंड यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। बट जब आप अपनी कैटेगरी चेंज करते हैं, तो आपको फ्रेंड यहाँ पे बताया है कि कैटेगरी री अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट री अपलोड अगेन अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पोर्टल पे। सब कैटेगरी PWD, ये फ्रेंड PWD कैंडिडेट्स के लिए है कि अगर आपकी सब कैटेगरी है, उस टाइम आपने फिल नहीं किया था, तो आप अभी फ्रेंड इसको फिल कर सकते हैं। फॉर आधार नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट, तो फ्रेंड दो ऑप्शन थे, एक था कि जिन कैंडिडेट के पास आधार है और उन्होंने यस करके आगे क्लिक किया था, और जिनके पास नहीं था उन्होंने नो करके आगे क्लिक किया था। तो फॉर आधार नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट ने आधार के कॉलम को नो किया था। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, अ कैंडिडेट कैन चेंज इधर कैंडिडेट्स नेम एंड फादर्स नेम और मदर्स नेम, एनी वन ओनली। इसमें भी फ्रेंड आप फादर एंड मदर में से किसी एक का ही नेम चेंज कर सकते हैं। इन केस द कैंडिडेट इज चेंजिंग एनी ऑफ दीज थ्री फील्ड, देन द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू चेंज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इसमें भी फ्रेंड अगर आपने दोनों चेंज कर दिए हैं, तो आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए
नहीं कर सकते हैं चेंज। कैटेगरी, कैटेगरी कैन चेंज इधर कैटेगरी और री अपलोड। आप फ्रेंड आपको यहाँ पे कैटेगरी चेंज अगर आपको करनी है तो आप वो चेंज कर सकते हैं, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अभी फ्रेंड यहाँ पे सब कैटेगरी वही है आपका कि अगर आपकी कोई सब कैटेगरी चेंज हो गई थी, आपने मतलब नहीं किया था वहाँ पे, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं आप या कोई सब कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आप वहाँ पे उसको कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, ये फ्रेंड आप अगर फॉर आधार नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड यही कुछ हमारी मेजर फील्ड थी जिनमें चेंज हो सकता है, इन अदर में चेंज नहीं हो सकता है। और फ्रेंड अगर आपकी एजुकेशन डिटेल्स हैं या आपकी फोटोग्राफ सिग्नेचर हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन हैं, आपका एग्जाम सेंटर है, फ्रेंड आप उन सब में वहाँ पे यहाँ मेंशन है उसमें चेंज कर सकते हैं। अब फ्रेंड हम बात कर लेते हैं हमें वो लिंक कहाँ मिलेगा। सो फ्रेंड हमने ये वेबसाइट neet.nta.nic.in पे विजिट किया। इसके बाद फ्रेंड देखिए करेक्शन फॉर नीट यूजी 2022 करेक्शन विंडो का लिंक एक्टिव हो गया। यहाँ पे आपको ओके कर देना है, प्रोसीड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, आपने जब नीट NTA का फॉर्म फिल किया था जो एप्लीकेशन नंबर आपको प्रोवाइड हुआ था आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, वो नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड मेंशन कर देना है। सिक्योरिटी पिन जो आपको फ्रेंड ही शो हो रहा है ये यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। एंड फ्रेंड इसको आपको साइन इन कर देना है। जब फ्रेंड आप इसको साइन इन कर देंगे तो जो कैंडिडेट का पोर्टल है, मेन पोर्टल है जहाँ से आपने सारी डिटेल फिल की है, वो कैंडिडेट का वहाँ पे पूरा ओपन हो जाएगा। और जब वो फ्रेंड आपका ओपन हो जाएगा तो आपको नीचे एक लिंक होगा, उस पर लिखा होगा करेक्शन, वो लिंक पे आपको करेक्शन पे क्लिक कर देना है। आप फ्रेंड जैसे ही करेक्शन पे क्लिक करेंगे आगे प्रोसीड करेंगे, एक और करेक्शन आएगा, उस सेकंड करेक्शन को भी आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है। आप फ्रेंड आगे प्रोसीड कर देंगे तो आपसे एक OTP, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी है उस पे फ्रेंड आपको एक OTP प्रोवाइड होगा, वो OTP आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है। OTP मेंशन करने के बाद आप जब आगे प्रोसीड करेंगे तो फ्रेंड आपका पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको जो चेंज करना है आप वहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं, चेंज करके सेव करके आगे कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एक बार उसको डन कर दिया है, आपने अपना OTP वगैरह मेंशन कर दिया है और उसको फाइनल सबमिट कर दिया है तो सेकंड चांस नहीं है, सिर्फ एक बार ही एडिट विंडो अभी ओपन हुआ है तो फ्रेंड आप एक बार ही कर सकते हैं। सेकेंड टाइम आप जब सबमिट कर देंगे तो उसके बाद फ्रेंड आप नहीं कर सकते। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यही कुछ बातें थी जो आपको एडिट विंडो के लिए ध्यान रखनी है। एंड फ्रेंड नीट UG PG IU से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एक्टिविटीज़।